यूं तो लोगों के आने का जाने का कारवां यूं अक्सर ही बना रहता है, क्योंकि आखिर कौन ही सफर में अंत तक वैसे ही टिक पाते हैं? शायद कोई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ यादों के किस्से काफी खास रह जाते हैं। खास रह जाती है वो है किलकारियां, जो कि कभी क्लास में मजेदार कहानियां सुनकर आती थी, या फिर कभी किसी के प्यार भरे मजाकों पर। पर जो भी कहो यार, वो दिन बहुत हसीन थे। कब 3 सालों का सफर यूं आज अचानक खत्म सा हो गया, कैसे ये वक्त मानो रेत सा निकल गया, कोई पता ही नहीं चला कि आज वो आखिरी दिन भी आ गया। कहने को तो महज 3 साल ही थे, पर यादें कितनी अनगिनत है वो तो शायद शब्दों से कहाँ ही बयान हो पाएगा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके लिए तो आज बस एक एहसास ही काफी है। तो चलो आज उन एहसासों को ही जिंदा कर देते हैं, जी लेते हैं उन पलों को, जो शायद आज के बाद जब भी देखो तो सबको एक प्यार भरी याद दे, जो सबकी खुद की हो, जिनमें उनका कोई हिस्सा खास हो। क्योंकि कहने को तो क्लास ही थे, बाकी प्यार और अपनापन किसी सगे परिवार से कम नहीं था। कभी हिम्मत डगमगाई इस सफर में तो सर को हमेशा ही अपने पास पाया, आपके लिए सर, हर उस पल अपने साथ, मतलब पाया हर उस पल अपने साथ जब लगा था कि कहाँ कुछ हो पाएगा हमसे, पाया उन्हें हर उस आवाज़ के साथ कि तुम करो, तुमसे सब हो जाएगा, और कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं कर सकते, सब हो जाएगा। हाँ, तो कुछ ऐसा ही साथ था हमारे सर का हमारे पास, और मैम हमारी, जिन्होंने कभी किसी में कोई फ़र्क किया ही नहीं, चाहे किसी को पूरी कॉपी आती हो, चाहे किसी को कुछ छुपी रहे, मैम का प्यार किसी के लिए कम हुआ ही नहीं। जहाँ हमें नहीं भी आया आसान सा सवाल, तो वहाँ उन्होंने भी हमें छोटे बच्चे जैसे ही पढ़ाया, पर आज तक कभी उनसे ये नहीं सुना कि तुम्हें इतना भी नहीं आता। हाँ, तो जहाँ मैम ने प्यार से, मासूमियत से, तो वही सर ने अपने साथ से, हिम्मत से हमें कभी गिरने ही नहीं दिया, हमेशा ही अपने वजूद के साथ हमें हम में खास बनाया, हमें सबकी नज़रों में, और सिखाया हर वो चीज़ जो खुद को खुद से बेहतर बना सके। तो बस यही तक थी मेरी कलम में ताकत, क्योंकि पता तो उस नादान को भी है कि जितना लिखूंगी अपने अपनों के लिए वो तो कम ही जान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जुड़ा प्यार अनंत है, अविस्मरणीय है, यादें जहाँ की जो चंद लाइन्स में सिमटना मुश्किल ही है थोड़ा। सो थैंक यू अब शब्द भी इजाज़त नहीं देते कि सारे प्यार को जगा पाऊँ, वो भी इतने कम वक्त में। तो थैंक यू मैम। गाइस, ये हमारा फेयरवेल का केक आ चुका है, और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे रजनी की आवाज, अमन का रैप, ज्योति का कंफ्यूजन,
और भार्गव का कार में डिजाइन। सूरज की हाजिर जवाबी, कविता के अतरंगी सवाल, ममता का मल्टी टैलेंट, लिसा का इंस्टाग्राम, बड़ी दीपा का फैशन, कोमल का सलामती मन, ये इसको मत कर दो, छोटी दीपा सिवानी और साक्षी का शांत स्वभाव, और मैथ वाले सारे दोस्तों का सद्भाव। एक अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है और पीछे छूट जाती है तो सिर पे आते हैं। जिंदगी में अब तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है, सफलता तुम्हारे कदमों में हो, बस यही कामना है। यूं तो जिंदगी में बहुत लोग आते जाते रहेंगे, पर बहुत याद आओगे तुम। मैं कहता था ना, एक दिन यूं ही मुस्करा कर चले जाओगे तुम। जर्नी स्टार्ट की थी अपने की थी 2021 में, ठीक है। इसमें जो मैथ्स वाले थे 2021 से हमारे साथ थे, जो बाई वाले थे वो हमारे साथ 2022 से जुड़े। तो बाई वालों के संग भी काफ़ी अच्छा सफर रहा हमारा 2 साल। कब हम एक परिवार बन गए हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। ये 3 साल कब गुजर गए ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, हमने कोचिंग ज्वाइन किया हो, ठीक है। आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया हो और हमने पढ़ाना स्टार्ट ही किया, तो ये काफ़ी लंबा सफ़र ऐसा लगता है कि कुछ ही दिनों में बीत गया हमारा, ठीक है। आप सभी के अंदर वो पोटेंशियल है, वो एबिलिटी है, वो हमने देखी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने एफर्ट्स को थोड़ा और इम्प्रूव करना है, थोड़ा और इंक्रीज करना है, ठीक है। उसी के भी आपने अभी से ये डिसाइड करना है कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है। ये नहीं कि अभी 2-3 महीने छुट्टियाँ इन्जॉय, तो इन्जॉय के साथ साथ आपने ये देखना है कि आपने किस प्रोफेशन को चूज़ करना है, ठीक है। जो आप प्रोफेशन चूज़ करोगे, ठीक है, वो आपकी लाइफ आगे को डिसाइड करेगा, किस भी आप डिसाइड करेगा। पहले तो आपने ये देखना है कि कौन सी जॉब या आपके लिए आगे को क्या चीज़ बनी हुई है। कई बार लोग ऐसा होता है कि वो जॉब उनके लिए बनी नहीं होती लेकिन उसमें जबरदस्ती घुस जाते हैं, ठीक है। जैसा हमारा क्या टीचिंग प्रोफेशन हो गया, ठीक, अगर हम कल को मान लो मैं एग्ज़ाम निकालते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मान लो पुलिस की तैयारी करते हैं, ऐसा निकल जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हमें वो चीज़ों की कम्फर्ट नहीं आएगी जो हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ पर टीचिंग में मिल रही है, ठीक है। क्योंकि हमारा नेचर ही उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है कि हमने इतने साल टीचिंग में ही दिए हैं, तो वहाँ भी जो हमारा बिहेवियर होगा हमारा उसी टाइप से रहेगा, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, डेली अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, अगर आप अपने एफर्ट्स को डेली 1% भी इंक्रीज करोगे तो आप 1 साल के अंदर अपना रिजल्ट बेहतर पाओगे, ठीक है। तो एक मैसेज उसे समझा देता हूँ मैं, ये आपका एफर्ट है, अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं, इसकी वैल्यू कुछ नहीं। आप इसमें 1% का इंक्रीमेंट करो, ये आपने क्या किया, 1% का इंक्रीमेंट किया, तो जो आपका रिजल्ट है उसमें कितना इंक्रीमेंट हो, आपका 38% का इंक्रीमेंट हो जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो इस स्टोरी को याद रखना, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, थैंक यू। उसी के बेसिस पे कुछ भी चीज करना है, ऐसा मत देखना कि ये कर रहा है मेरे साथ, मतलब मैं भी उसके साथ चले जा रहा हूँ, वही मैं भी करता हूँ। और फिर पता है क्या होता है, जो मतलब जो चलो जो एमएससी कर रहा है उसका 2 साल वहाँ निकल जाता है, वो तो एमएससी कर लेता है, लेकिन जो दूसरे के चक्कर में इधर जैसे कभी कोई चला गया कहीं उसके पीछे पीछे लग गया, और वो 2 साल बाद बैक आएगा दोबारा तब करेगा वो एमएससी। इनके पहले ही डिसाइड करो, क्योंकि अब तुम्हारे 2 साल वेस्ट नहीं होने चाहिए, उतने 2 साल में तुम्हारा यहाँ कुछ और मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है उस फील्ड में तुम आगे बढ़ सकते हो। यानी कि गलत अगर जिसको तुमने चुन लिया फिर उसको छोड़ना नहीं है, अगर तुमने जो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो अभी डिसाइड करना है, ऐसा नहीं कि दो साल पहले वहाँ ट्राई कर लिया फिर वहाँ से आगे पता चला कि यार इसमें मन नहीं लग रहा कुछ और ट्राई करते हैं। इससे बढ़िया एक ही फील्ड में तैयारी करो, चाहे 5 साल लग जाए, 5 साल करोगे, कहने का मतलब समझ रहे हो ना कि दो साल यहाँ इस तरीके से मत करना, 5 साल एक जगह पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मत करना कि 2 साल पहले यहाँ दे।
करती हूँ और दिखाती हूँ आपको गिफ्ट में क्या है अनबॉक्सिंग करके। गाइस मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है गिफ्ट की और आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। एक सेकेंड। तो इसमें है कप जो कि ये है, बहुत प्यारा दिया है सर ने, थैंक यू सर आपका बहुत ज़्यादा।